घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? जी हाँ बिल्कुल, इसी तरह डायरेक्टर एसएस राजा माउली ने फिल्म को समझ लिया था फ्लॉवर, मगर फिल्म आग की तरह तेज रफ्तार में फैल गई। वो कहते हैं ना, जितना हम किसी चीज से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो एक्सपेक्टेशंस कभी पूरे नहीं होते, मगर यहाँ डायरेक्टर ने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे ही नहीं थे और फिल्म सुपर डुपर हिट निकली। अब देखो, यूजुअली क्या होता है कि कोई भी फिल्म रिलीज होती है और वो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से थिएटर में जो क्राउड है वो थोड़ा कम दिखाई देता है। भाई अगर फ्री में घर पे देखने को मिल रही है तो कोई थिएटर में जाके क्यों पसंद करेगा मूवी देखना। मगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के बावजूद भी लोग थिएटर में फिल्म देखने के लिए मरे जा रहे थे, और यही क्रेज था पुष्पा का। मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पुष्पा 2 से निकलकर एक अपडेट बाहर आया है जो सुन के आपके कान नाक हाथ मुंह सब फट जाएगा। अरे सच में नहीं, मतलब आपको शॉक लगेगा। पुष्पा और केजीएफ की डिबेट तभी से चल रहे हैं जब से पुष्पा रिलीज हुई है। एक्चुअली पुष्पा को हिंदी में रिलीज किया नहीं जाने वाला था क्योंकि सक्सेस रेट काफी कम था, मगर वो हुआ और हम सभी ने एंजॉय किया। जहाँ कोविड की वजह से 2 सालों से थिएटर ठंडे पड़ चुके थे, वहीं पुष्पा ने उन थिएटर्स को फुल करा दिया। पुष्पा की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के बाद एसएस राजा माउली ने पार्ट 2 के सीक्वल में काफी चेंजेस किए हैं। जहां पार्ट 2 एक नॉर्मल सीक्वल की तरह रिलीज होने वाला था, क्या आपको लगता है कि अब वैसा ही होगा? बिल्कुल नहीं। अगली फिल्म में सस्पेंस का धमाका होने वाला है। अब पुष्पा 2 के नजर में है बाहुबली के सीक्वल का रिकॉर्ड। अल्लू अर्जुन तोड़ना चाहते हैं बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को, और ये बात खुद ही फिल्म के प्रोड्यूसर ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कंफर्म की है। फिर आपको क्या लगता है कि पुष्पा के लिए जितना क्रेज देखने को मिला था, पुष्पा 2 के लिए भी उतना ही देखने को मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलिए जल्दी मिलते हैं और नए गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।